Hey, welcome back. I am Dharmendra sir from DLC Institute, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ जिसमें आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहे हो. आप अंग्रेजी में वो चीज़ सीख रहे हो जिससे अंग्रेजी आसानी से बोला जा सके. भारत में ही नहीं, जितने भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. जो भी अंग्रेजी सीखते हैं ना, ऐसे ही सीखते हैं और ऐसे ही बोलते हैं. अगर आप भी प्रयास करोगे मेरे साथ तो आपको भी अंग्रेजी बोलने आ जाएगा. बस करना है, बस लग जाना है मेरे साथ और आपको बोलना आज अगर निकालो, बस एक बार कॉपी कलम निकाल के शुरू हो जाओ और बोलना शुरू करो. फिर लिखना, पहले एक बार मेरे साथ आ जाओ. हमने एक वर्ड लिया है और एक वर्ड से हजार सेंटेंस मैं आपको बोलना सिखाऊंगा और सिखाने जा रहा हूं. बस कोशिश करो और लग जाओ मेरे साथ. हमने कहा अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट के खिलाफ. पता है कि तुमको आता है, आई नो, मुझे पता है कि ऐसा कोई लड़का नहीं जिसको अगेंस्ट का हिंदी नहीं आता. आप चाहते हो अंग्रेजी बोलना ना, तो बस एक बार शुरू होना है, क्योंकि सभी लोग, दुनिया के हर लोग अंग्रेजी ऐसे ही सीखते हैं जैसे मैं सिखा रहा हूं. तो आप पीछे कैसे रह सकते हैं मेरे दोस्त? आप भी आगे बढ़िए ना. और आप भी देखिए, अगेंस्ट है. अब अगेंस्ट का मतलब क्या? खिलाफ. अगेंस्ट का मतलब क्या? विरुद्ध. आपको बोलना, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं. वह सरकार के खिलाफ जा रहा है, मैं उसके विरुद्ध जा रहा हूं, वह उसके विरुद्ध. तो जितना भी सेंटेंस बोलना हो, लंबा से लंबा, छोटा से छोटा, बस बोलने का प्रयास तो करो मेरे यार. तो सेंटेंस है असमानता के खिलाफ. असमानता के खिलाफ, तो असमानता का अंग्रेजी क्या होता है? इनइक्वलिटी. अब के खिलाफ क्या हो गया? अगेंस्ट. तो आप मिलाकर बोल दो, असमानता के खिलाफ, अगेंस्ट इनइक्वलिटी. तो इनइक्वलिटी, इक्वल समानता, इनइक्वल असमानता, अगेंस्ट जोड़ दो तो के खिलाफ हो गया. तो असमानता के खिलाफ, अगेंस्ट इनइक्वलिटी. अन्याय के खिलाफ, अगेंस्ट इनजस्टिस. जस्टिस मतलब न्याय, है ना. इनजस्टिस अन्याय. अन्याय के खिलाफ, तो अगेंस्ट इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ. भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगेंस्ट करप्शन. अब बोलते हो ना यार, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट करप्शन. तो अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ. गरीबी के विरुद्ध, अगेंस्ट पॉवर्टी. भेदभाव के खिलाफ, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? भेदभाव के खिलाफ. तो अब सेंटेंस देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं. आई एम नॉट अगेंस्ट लॉ, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूं. आई एम अगेंस्ट करप्शन, मैं करप्शन के खिलाफ हूं. ही सेज दैट ही इज फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. वह कहा कि वह भेदभाव के खिलाफ फाइटिंग कर रहा है. ही सेज दैट ही इज फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो जब आप एक बार लग जाओ मेरे साथ, जल्दी से बोलो, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, तुम अंग्रेजी बोलो, असमानता के खिलाफ, बोलो जल्दी, असमानता के खिलाफ, अगेंस्ट इनइक्वलिटी. अन्याय के खिलाफ, अगेंस्ट इनजस्टिस. भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगेंस्ट करप्शन. गरीबी के खिलाफ, अगेंस्ट पॉवर्टी. भेदभाव के खिलाफ, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. और आई होप आपको यह आ गया होगा, याद हो गया होगा. रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो, आजीवन याद हो जाएगा. और दिखाता हूं अभी, ऐसे ऐसे कितने दूंगा आपको भरोसा नहीं, बस चलते चलो मेरे साथ. सेकंड पार्ट क्या है? बहुत मजेदार लिया हूं, बस आप देखोगे ना मजा आ जाएगा. बस एक बार आप मेरे साथ इसको याद कर लो, ऑल ऑफ. अब ऑल ऑफ में जो मन करता है जोड़ दो, ऑल ऑफ, हम सब. ऑल ऑफ मतलब सब, ऑल ऑफ मतलब सभी. अब जितना बोला, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ, तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट अभी दूंगा आपको. तो ऑल ऑफ मतलब सब, सभी, जैसे हम सब, वह सब, यह सब, तुम सब, जैसे वह सब, ऑल ऑफ दैट, वह सब बेकार है, ऑल ऑफ दैट इज यूजलेस, है ना. तो वह सब, ऑल ऑफ दैट, यह सब, ऑल ऑफ दिस, यह सब अच्छी चीजें हैं, ऑल ऑफ दिस आर गुड थिंग्स. तो ऑल ऑफ दिस, यह सब, है ना. तुम सब, तुम सब ईमानदार हो, तुम सब पहाकू. तो ऑल ऑफ यू, all of you are laborious, all of you are very good boy, all of you are very good guys. So all of you, tum sab, hum sab, hum sab imandar hain. All of us are honest. So all of us, none of us, all of you, all of these, all of that, dekh rahe ho, ve sab, all of them, ve sab log aa rahe hain, all of they are coming. To is tarah se aapko dhyan rakhna hai, all of you are honest, hai na. Hame samajh kya dikha? All of you are honest. He has taken all of that his belongings. To aapko agar ek yaad hai na, तो सब बड़े आसानी से आपसे बन जाएगा. एक बार आप मेरे साथ रिवीजन कर लो, ऑल ऑफ मतलब सब, जहां भी ऑल ऑफ लगा दो, बस मेरे यार बोलने की कोशिश तो करो.
आप घबरा क्यों जाते हो? बस बोलने की कोशिश करो, बोलना बहुत आसान है। ऑल ऑफ मतलब सब या सभी, ऑल ऑफ दैट वह सब, ऑल ऑफ दैट याद कर लो, ऑल ऑफ दैट वह सब, ऑल ऑफ दैट वह सब, ऑल ऑफ दिस यह सब, ऑल ऑफ दिस यह सब, तुम सब ऑल ऑफ यू, तुम सब ऑल ऑफ यू, हम सब ऑल ऑफ अस, वे सब ऑल ऑफ देम, हम सभी लोग ईमानदार हैं, ऑल ऑफ अस आर ऑनेस्ट, तुम सब लोग ईमानदार हो, ऑल ऑफ यू आर ऑनेस्ट, वे सब लोग चोर हैं, ऑल ऑफ देम आर थीप, है ना, थीप्स, तो इसे बोलते हो ऑल ऑफ देम आर थीप्स, राइट right? तो इस तरह से याद कर सकते हो ना। तो अब आगे और देखते हैं, यहां पे हमने क्या कहा, ऑल ऑफ। अब इतना महत्वपूर्ण चीज मैं दे रहा हूं ना, ऑल ऑफ आपने सेकंड देखा जस्ट अभी, अब ऑल ऑफ के बाद जोड़ दो माय योर इज हर डियर, अब जोड़ के बोलो ना, ऑल ऑफ माय नाउन जोड़ दो यहां पे, अब कोई भी नाउन लगा दो, कुछ भी लगा दो, हिंदी सब और सभी जैसे बोलना है, उसकी सारी जिंदगी बेकार हो गई, मेरे सारे जीवन अच्छे हो गए, तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हैं, मेरे सारे प्रयास बेकार हो गए, उसके सारे प्रयास बेकार हो गए, तुम्हारे सारे प्रयास बेकार, तो मेरे तुम्हारे उसके उनके जो बोलना हो आप इसके माध्यम से बोलो ना, आज के बाद ना बोलना है तब ना मुझे बताना, ये बहुत आसान है। बस देखो ऑल ऑफ माय शर्ट, ऑल ऑफ योर शर्ट, देखो ना, मेरी सारी जिंदगी, ऑल ऑफ माय लाइफ, ऑल ऑफ योर लाइफ, ऑल ऑफ हिज लाइफ, ऑल ऑफ हर लाइफ, ना मेरी सारी जिंदगी, ऑल ऑफ माय लाइफ, तुम्हारी सारी जिंदगी, ऑल ऑफ योर लाइफ। अब आगे जो जोड़ना है, सेंटेंस बनाना है तो बनाते रहो, है ना, मेरी सारी जिंदगी, ऑल ऑफ माय लाइफ, तुम्हारी सारी जिंदगी, ऑल ऑफ योर लाइफ, उसकी सारी जिंदगी, ऑल ऑफ हिज लाइफ, है ना, उन लोगों की सारी जिंदगी, ऑल ऑफ दियर लाइफ। तो देख रहो कितना बढ़िया आपको मैं सिखा रहा हूं, ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया निकाला गया है कि पहले दो दो शब्द को जोड़ो और इस दो शब्द से नए नए बड़े बड़े सेंटेंस फ्रेम कर दो, बहुत आसान है, बस एक बार आपको बोलने और लगने भर की देर है। मेरी सारी जिंदगी बेकार हो गई, ऑल ऑफ माय लाइफ इज यूजलेस, डिस्ट्रॉयड, कुछ भी वट एवर जो आप बोलना चाहते हो, तुम्हारे सारे कपड़े, ऑल ऑफ योर क्लॉथ्स, तुम्हारे सारे कपड़े, उसके सारे कपड़े, तो ऑल ऑफ हिज क्लॉथ्स, उन लोगों के सारे कपड़े, ऑल ऑफ दियर क्लॉथ्स, तुम्हारे सारे कपड़े, ऑल ऑफ योर क्लोथ्स, मेरे सारे कपड़े, ऑल ऑफ माय क्लोथ्स। तो आप लगा लोगे ना यहाँ पे माय आवर योर हिजर, हमने एक एग्जांपल दिया है, आप हजार बोलो ना, मेरे साथ बोलो ना, आप या तो करो कॉपी कलम उठाओ, इसको लिख करके बिल्कुल यहाँ पे रख लो, टिप ऑफ द टंग, ना बोलना है तो मुझे बताओ कि हाँ सर अभी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है। हमने पांचवा सीरीज दिया है, चार सीरीज दे चुका हूं, ये पांचवा है, ये सबको मैं एक साथ आपको डलवा भी दूंगा, और अब आके आप अगला काम करो, मेरे सारे प्रयास, ऑल माय एफर्ट्स, ऑल माय एफर्ट्स, अब देखो ऑल ऑफ हिज लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, ऑल ऑफ हिज लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स नीड वॉशिंग, है ना, तो ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स, उसके सारे कपड़े अब धोने को मांग रहा है, ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स नीड वॉशिंग। तो इस तरह से आप सारे चीज प्रयास कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान है। अब यहां देखो मैं क्या लिया, एट, मुझे पता है कि एट आपको आता है, आप में से जितने भी बच्चे यूट्यूबर हैं, जितने भी बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स यूट्यूब देखने वाले हैं, सारे बच्चे मेरे एड का मतलब जानते हैं, एड का मतलब सबको पता है कि एड का मतलब खास समय पर करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, बट इसका यूज कैसे करें, इसको कहां पे बोलने में प्रयोग करें, आता तो सब है सर, निकलता नहीं है, यही ना समस्या है, सब आता यहां पे पेट में सब है, ऊपर नहीं आता सर, तो उसी लिए तो मैं काम कर रहा हूं सर आपके लिए। तो इसके लिए क्या है, लंच के समय पर मिलो, मीट मी एट लंच टाइम, तो एट लंच टाइम, लंच के समय पर, 5 बजे मिलो एट 5 PM, 5 बजे शाम को मिले 5 PM, 5 बजे सुबह मिलो मीट एट 5 AM, 5 बजे पक्का मिलो तो एट फाइव ओ क्लॉक पक्का समय, शाम के लिए PM, सुबह के लिए AM, और ओ क्लॉक मतलब पक्का समय, 5 बजे पक्का, सुबह शाम नहीं होता, तो 5 बजे एट 5 PM, 6:10 पर बात करना, तो 6:10 एट 6:10
8:15 पर तो एट एट फिफ्टीन। अब ऐसे क्या होगा ना कि आपको याद हो जाएगा, फिर आपको डर नहीं लगेगा, आप आसानी से बोल पाओगे, दिमाग खराब नहीं होगा, इजी वे में कुछ भी चाहो बोलना शुरू कर दो। तो बोलो कि ही डिसाइडेड टू मीट एट लंच टाइम, उसने डिसाइड किया कि मिलेगा कब, लंच टाइम पर। आप बोलते हो ना भाई कि मुझे तुम लंच टाइम मिलना, यू मीट मी एट लंच टाइम, I will go there at 8:15. I will meet you at 6 PM. I will meet you at 5 PM. I will meet you at 5 o'clock. तो at 5 o'clock, at lunch time, तो इस तरह से आपका at complete हो जाएगा और easy way में आप आसानी से बोल पाओगे at लाके। एक बार मेरे साथ बोलो मिल करके, लंच के समय पर, हंगरी जी बोलो, लंच के समय पर, at lunch time, 5 बजे मिलो, at 5 PM, 6:10 पर, एट 6:10, 8:15 पर, एट 8:15। हमने 5 बनाया, तुम 50 बनाओ, और मुझे भरोसा है कि आप बना लोगे, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, आप कर लोगे, बेहतर कर लोगे। अगला देखते हैं। अब देखिए नंबर 5 लिया हमने, एट का मतलब खास जगह पर, एट का मल्टी यूजेज वर्ड है ना, आता सब हम लोगों को है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, पूरे भारत को आता है, लेकिन बोलने में आज भी लोग 5% ही बोल रहे हैं पूरे भारत में, आज भी लोग नहीं बोल रहा अंग्रेजी, क्योंकि सही समय पे गला चोक कर जाता है। जब कोई सामने से अंग्रेजी बोलता है ना तो गला बंद हो गया, अब निकलना आवाज बंद, कुछ नहीं बोल सकते, जब चला गया बोल करके तब एक से एक आवाज निकल रहा है। तो मैं वही चीज सिखा रहा हूं कि आपको इतना रटवा दूं, इतना बुलवा दूं, इतना करवा दूं कि आपको जरूरत ही ना पड़े, जब चाहो निकलना शुरू हो जाए। एट का प्रयोग कहां करना, खास जगह पर, जब छोटे छोटे जगह हो, पहले कहा खास समय पर, फिर कहा जब छोटे छोटे जगह हो तो वहां एट का प्रयोग करो। जैसे घर पर हूं सर, मैं घर पे रह रहा हूं यार, तो आई लिव एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, स्टेशन पर हूं, एट द स्टेशन, हवाई अड्डे पर हूं, एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट। जैसे मैं कहूं कि मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं, तो आई लिव एट मुखर्जी नगर, वह मुखर्जी नगर रहता है, ही लिव्स एट मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर से बता दूंगा आपको, ये मुखर्जी नगर में ही आपकी कोचिंग है। आप अगर विस्तृत रूप से डिटेल अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर मैं आपसे अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं, तो दिल्ली दूर है, आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली बहुत नजदीक है, अब दिल्ली में आ जाओ, 2-3-4 महीने का रेंट पर ले लो, यहां पर मेरे साथ मिलकर पढ़ लो, आपका कोर्स 3-4 महीने में समाप्त कर दूंगा और बढ़िया से अंग्रेजी आपका लिखना बोलना एग्जाम SSC CPO बैंक PO UPSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सब करवा दूंगा बढ़िया से, अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बेहतर कर भी लोगे आप और सीख भी लोगे आप। ये तो एक नमूना दे रहा हूं। इसके साथ साथ अब स्पोकन क्लास भी मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, स्पोकन का लाइव क्लास भारत के इतिहास में पहली घटना होगी कि स्पोकन भी आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, वह भी बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं स्पोकन का लाइव बैच, वो भी आप देखोगे और वही क्लास आप करोगे, आप अपने मोबाइल पर वही पढ़ सकते हो ऑनलाइन क्लास क्या स्पोकन का, और ग्रामर और फाउंडेशन भी आप पढ़ सकते हो अलग से। इसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा कैसे पढ़ा इसको टेस्ट देने के लिए आप वेबसाइट पर जाएं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करके और टेस्ट भी मुझे बताइए कि टेस्ट कैसा दे रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। अब देखो फटाफट से इस बात, एट मतलब खास जगह पर, छोटी जगह पर, एट होम घर पर, स्टेशन पर एट द स्टेशन, हवाई अड्डे पर एट द एयरपोर्ट, ही लिव्स एट मुखर्जी नगर, वह मुखर्जी नगर में रहता है, आई मेट हिम एट द स्टेशन, है ना, आई हैड टू गो टू द स्टेशन, मुझे एयरपोर्ट जाना था, आई हैड टू गो टू द एयरपोर्ट, मुझे स्टेशन जाना था, आई हैड टू गो टू द स्टेशन, आई हैड टू गो टू द एयरपोर्ट, आई हैड टू गो टू द, तो जहां भी आप प्रयोग करना चाहें इसको आसानी से आप बोल सकते हैं। और मेरे दोस्त मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये तो अंग्रेजी का एक बेसिक मैं आपके साथ मिलकर पढ़ा रहा हूं, YouTube पर 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो है, आप विस्तृत अगर चाहते हो तो मैं चाहता यह हूं कि आप वीडियो उन बच्चों को दो ना जो दिल्ली तक नहीं आ सकते, जो मोबाइल बैच में नहीं पढ़ सकते, उनको YouTube ही सहारा है, तो उन सारे बच्चों को भारत में इतना शेयर करो कि हर बच्चा क्रांतिकारी बन जाए और भारत का रेशियो आज 5% है वो 50% अंग्रेजी बोलने पे आ जाए, ताकि हर बच्चे में एक अलग से कॉन्फिडेंस हो, कोई बच्चा अपने आप को कम न समझे और बेहतर हो जाए। तो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करके और हर बच्चों को दीजिए, ताकि हर बच्चा अंग्रेजी सीख सके, आगे पढ़ सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।